नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। आपने फिल्म देखी होगी भाई, आज से काफी टाइम पहले एक फिल्म आई थी रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की, बंटी और बबली। जी हाँ, उनमें वो क्या करते थे आप सबको पता है अगर देखी होगी तो। उनका काम था टोपी पहनाना, चोरी करना। जी हाँ, सेम कंडीशन इसी के साथ में बंटी और बबली दोनों पकड़े गए दिल्ली की अगर बात करें तो। ये लोग, आपको तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा आपको साथ में, ये लोग दोनों साथ में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे। वहां से इनको आइडिया आया, यार सैलरी से पार नहीं पड़ेगी, 20-30-50 हज़ार से क्या होने वाला है, क्यों ना हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। माइंड में क्रिएटिविटी आती है ना कि कुछ, चलो कुछ नया करते हैं। वो आपने टीवी में ऐड आता है, वो भी देखा होगा आपने। तो दोनों अच्छे पढ़े लिखे थे, एमए, एमबीए, बीएससी वगैरह अच्छी इनकी डिग्री थी, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड कंपनी बना लें जो आपको विदेशों में जॉब प्रोवाइड करें। आप लोग जो खास तौर से विदेशों के नाम से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, खास तौर से आप भी सुन लीजिए, आपके भी जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उन्होंने बता दूं 3 से 4 कंपनियां अलग अलग अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाई, उनमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जॉब ऑफर डाले गए, अच्छी सैलरी वाले आकर्षक पैकेज डाले गए ताकि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड लें उसमें और उनसे कॉन्टेक्ट करें। जैसे ही लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते तो सबसे पहले उनसे वो पैसा डलवाते थोड़ा थोड़ा। इनका एक पुलिस बयान ने भी बताया कि इनका टारगेट था थोड़ा थोड़ा पैसा लेके बड़ा रकम बनाना। एक आदमी से 1,000-2,000 रुपये, 5,000 रुपये लेना, दिन में अगर 10 लोगों से 5-5 लें तो कितने पैसे हो जाते हैं। आप खुद समझदार हैं, सोचिए 5,000-50,000 रुपये पर डे बन जाते हैं, तो कम नहीं होते ना। तो थोड़ा थोड़ा लेके बड़ा पैसा बनाने का इनका टारगेट था। फर्जी ऑफर लेटर वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह लोगों को शेयर करते डालते, पूरा सिस्टम ऑनलाइन इनका चल रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी जांच इसमें, पुलिस जांच में ये बात क्लियर हुई कि जो बैंक अकाउंट था, देखिए वो दूसरे के नाम से था, फोटो इनके नाम से थी, फोटो चेतन के नाम से, जो बंदा अभी काम कर रहा है ये फर्जीवाड़े का, फोटो इसकी लगी थी और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो एड्रेस हैं, वो किसी दूसरे बंदे थर्ड पार्टी के थे जो बैंक में अकाउंट खुलवाए गए। जी हाँ, जब पुलिस ने जांच की, इनके पास से डॉक्यूमेंट निकले, फर्जी डॉक्यूमेंट यानी वीजा ऑफर लेटर वगैरह निकले, लैपटॉप से सिस्टम बरामद किया गया, पैन कार्ड, चेकबुक, पासपोर्ट वगैरह, एटीएम वगैरह, ये प्रोसेस, ये जो सब डॉक्यूमेंट इनसे निकले गए, तो इनसे वो पूरा फर्जीवाड़े का सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे। जी हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि देखिए, पुलिस जाँच में पता लगा है कि सैकड़ों लोगों को इन्होंने ठगा है, बाकी जाँच अभी जारी है, आगे जैसे रिपोर्ट आती है पुलिस ने बताया कि हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करते हैं, आप लोग जो थोड़े थोड़े पैसे देके जॉब ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपको लगता है कि आपको बन जाता है। मेरे पास आते हैं आप लोगों की ईमेल, ये देखिए सर मेरे पास ईमेल आया है, ऑफर लेटर आया है, मैं बोलता हूँ भाई फीस डालिए, तो दोबारा कॉल नहीं आता मेरे पास, तो मेरे पास तो नहीं आता, लेकिन वो उनके तो संपर्क में है। उन्होंने इस तरह से उनकी गोटी फिट की हुई है माइंड के अंदर कि वो उनको तो पैसा देने ही देने, मुझे भले ही नहीं दें, लेकिन मैं तो, मुझे 1,000 नहीं दें, लेकिन वो उनको 5,000-10,000-20,000 आराम से आप लोग देते होंगे। तो ऐसे बंटी और बबली से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। बाकी ये बुक भी है बचने का ऑप्शन, बंटी और बबली जैसे लोगों से, इसमें वो सब कुछ बताया गया है जो इन लोगों से बचने का एक तरीका होता है। इस बुक को खरीद के पढ़ लिया तो ये बुक आपकी जिम्मेदारी ले लेगी कि आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी, अच्छा जॉब आपको ले सकते हैं, अच्छी ऑफिस तक ये बुक आपको पहुंचाने का काम करेगी। सब डिटेल इस बुक में मिलेगी, 320 पन्नों की बुक है, मैन पावर ऑफिस वगैरह पूरी इंडिया में सब कुछ मिल जाएगा, बाकी डिटेल वीडियो के नीचे जाके आप देख सकते हैं। तो ये बातें, सावधानी रखने की ज़रूरत है, खुद सावधान रहिए, साथी लोगों को भी सावधान रहिए, रखिए, सतर्क रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।